हेलो फ्रेंड्स, मैं गार्डन आर्ट में हूँ आपके साथ, एक नया प्लांट के साथ। नया तो नहीं, प्लांट पुराना है, बस मेरे नया वीडियो के साथ। ये प्लांट है, इफ्यूबिया फैमिली के हैं। ये तीन धारिया बोलते हैं इसको, लाल तीन धारिया बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर तो बुरगंडी का आता है। ये बहुत लक्ष्मी वर्धक माना जाता है। गेट के दोनों तरफ अगर आप इसको लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करते हैं बोल के मान्यता है। इसे आप थोड़ा बालू और ईंट ऊंट दे के लगा देने से, जैसा कि वहाँ पर ज़्यादा पानी स्टॉक ना हो और थोड़ा हाइड जगह हो, ये थोड़ा हार्डी किस्म का प्लांट है और पानी से बहुत कम ज़रूरत है। अगर आप गमले में लगाते हैं, देख रहे हैं कितने छोटे गमले में मैं तीन चार कटिंग्स लगाया था, जो अभी इतना बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत सुंदर ग्रो कर रहे हैं। इसमें कोई मिनरल नहीं दिया है, 15-20 दिन में एक बार दो चार दाने 19-19-19 के दे देता हूँ। इसी से इसका ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और ये देखने में भारी बहुत सुंदर है। इसके लीव्स विंटर में गिर जाएंगे, फिर से जब बसंत आएगी तो फिर से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे हैं ऑर्नामेंटली भी, और लौकी के हिसाब से भी आप इसे लगा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप एक ये तिधारिया रेड कलर के लाके अपने यहाँ लगाएं। इसके एक ब्लू भी आते हैं, वो भी मेरे पास हैं, लेकिन रेड का ज़्यादा काम है। रेड अच्छा भी दिखते हैं, इसलिए मैं रेफर करूंगा आपको, आप रेड कलर के एक तिधारिया आपके आंगन में ज़रूर लगाएं, या आप बालकनी में कोई पोट में 8 इंची के पोट में आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर बड़ा पोट में लगाएंगे तो 8-10 साल 12 साल रह जाएंगे और बहुत सारे उसके ब्रांचेस निकल के बहुत खूबसूरत दिखेंगे। ये 8 फुट तक लंबा हो जाते हैं और बहुत सारे सेमी ब्रांचेस निकल जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड।